नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और बात करते हैं मोदी 3.0 का फॉर्मूला तैयार। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर अमित शाह, नितिन गडकरी ने समर्थन किया। एनडीए सांसदों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। तीसरी भव्य विजय के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचे तो पूरा भवन तालियों की आवाज से गूंज उठा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले सबने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनके बगल में खड़े चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा आपको सब नजर आ रहे हैं और बाकी के तमाम सांसद भी अपनी मेज अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, मेज थपथपाई और उनके नाम से तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी, एचडी कुमार स्वामी ने भी यहां अपने संबोधन में बीजेपी को और एनडीए को साथ निभाने की बात कही। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट से, अजीत पवार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, सभी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी सहमति दी अपने संबोधन में और कहा कि एनडीए की सरकार मिलकर देश के विकास के लिए, देश के लोगों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी ही देर पहले खत्म हुई है। नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इस बैठक में आपको तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा तमाम सांसद, हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन टू दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, on behalf of my party I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA parliamentary board. I proudly propose the name of Shri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam party for the post of prime minister of this great nation. Hamari party Janata Dal United, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। अपने घर को तोड़ना, परिवार को उजाड़ना कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस पर यह तंज कसा है बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने, कहा कि कांग्रेस का लीडर खुद को स्थापित करना चाहता है, पार्टी को नहीं। धनेंद्र साहू के बाहरी प्रत्याशी वाले बयान पर संजय श्रीवास्तव ने यह पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है, 100 की संख्या को बीते 15 साल में पार नहीं कर पाए, सरकार बनाने के लिए 15 साल और लगेंगे।
मैं तो ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की स्वीकार्यता लगभग समाप्त हो गई है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। 15 साल में वो यदि 2014 में वो 44 सीट पे रहते हैं, 2019 में 52 में आते हैं और अब 99 पे पहुंचते हैं। 100 की संख्या भी ये 15 साल में प्राप्त नहीं कर पाते तो सरकार बनाने के लिए इनको 15-20 साल और लग जाएंगे। और कांग्रेस कभी संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस नेता आधारित पार्टी रही है, कांग्रेस परिवार आधारित पार्टी रही है। गांधी परिवार के नाम पर चलने वाले, नेताओं के पीछे चलने वाले ये पार्टी है, इसलिए आज संगठन लगभग समाप्त हो गया और कांग्रेस बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है केवल पर्दा डालने की कोशिश है। तमाम वो दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे, जो मंत्री थे, वो सब के सब चुनाव हारे हैं। ये इनकी अकर्मण्यता है, ये इनकी निष्क्रियता है, ये जनता के प्रति जो इन्होंने विश्वासघात किया है उसका लगातार 6 महीने के अंदर में दूसरा परिणाम इनको सामने आया। अपने घर को तोड़ना, अपने परिवार को उजाड़ना, अपने लोगों को निपटाना, ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। तो मुझे लगता है शुरुआती दौर में ये चर्चा सामने आई थी कि ये वक्तव्य क्यों दिया गया, ये क्यों किया गया है। तो ये कांग्रेस के अंदर में आंतरिक गुटबाजी है। कांग्रेस का हर एक लीडर स्वयं को स्थापित करना चाहता है, वो पार्टी को स्थापित करना नहीं चाहता है। उसका मूल कारण यही है कि TS सिंहदेव जी की अंदर से कुछ प्लानिंग हो। मुझे लगता है कि आज TS सिंहदेव ज्यादा प्रसन्न होंगे। विधानसभा चुनाव वो हारे थे, भूपेश बघेल लोकसभा हार गए, मामला बराबर का हो गया। यही तो कांग्रेस की रीति नीति है। तो जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल है, वही छत्तीसगढ़ में है। यहां एक लोकसभा सीट बचाने में कामयाब रही है कांग्रेस और इसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। चुनावी आचार संहिता के चलते ये प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अब फिर से फॉर्म भरना शुरू होगा। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जल्द ही विभाग इसके बारे में निर्देश जारी करेगा। योजना का अनुचित तरीके से लाभ लेने की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों की जाँच होगी। अभी आप सभी के माध्यम से ही संज्ञान में आया है कि ऐसे कुछ आए हुए हैं, तो उसका निरीक्षण करवा के अधिकारियों के माध्यम से। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि योजना बंद हो जाएगी लोकसभा के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है सामने लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कहती है वो पूरा करके दिखाती भी है। और इन कम समय में हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास की सरकार है। और अभी आप सभी के माध्यम से ही संज्ञान में आया है कि ऐसे कुछ आए हुए हैं, तो उसका निरीक्षण करवा के अधिकारियों के माध्यम से। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि योजना बंद हो जाएगी लोकसभा के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है सामने लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कहती है वो पूरा करके दिखाती भी है। और इन कम समय में हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये चोरी की कई घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। कई बार चोर मौके वारदात पर पकड़े जाते हैं और उन्हें या तो पहले पीटा जाता है या फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन दतिया का मामला कुछ अलग है। चोर को अनोखी सजा दी गई, ऐसी सजा शायद ही कभी इतिहास में किसी चोर को मिली होगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं ट्रेडमिल पर, जिसे आप भागता हुआ देख रहे हैं। दरअसल ये एक चोर है जो जिम में घुस आया था, वो इत्मीनान से चोरी कर रहा था। तभी जिम के मालिक की नींद खुल गई और उसने CCTV कैमरा चेक कर लिया, जिसमें चोर को चोरी करते हुए देखा। फिर वो जिम पहुंचा और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर जो सजा दी गई वो हैरान करने वाली रही। जिम मालिक ने चोर को सजा के तौर पर ट्रेडमिल पर दौड़ाया और भविष्य में चोरी नहीं करने का संकल्प लेने के बाद ही उसे छोड़ा। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ट्रेडमिल पर एक शख्स भाग रहा है जो बता रहा है कि मजबूरी में चोरी करने के लिए आया था। क्या हुआ था जरा बताएं, कब का मामला? देखिए ये कल रात तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये काफिला NDA का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा लेकर। दूसरे सहयोगी दल भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले आपने देखा संसद के सेंट्रल हॉल में किस तरह से नरेंद्र मोदी को NDA
संसदीय दल का नेता चुना गया और उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जो एनडीए का डेलीगेशन है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। राजनाथ सिंह ने ही नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहां पर, जो डेलीगेशन का काफिला है वो पहुंचा है, उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, दूसरे सहयोगी दल भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति को समर्थन पत्र यहां ये सौंपेंगे कि सभी एनडीए में हैं, एक साथ हैं और इस सरकार में वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये फॉर्मेलिटीज होती हैं जो उससे पहले की सरकार के गठन को से पहले की, वो फॉर्मेलिटीज यहां पर स्टेप बाय स्टेप पूरी की जा रही हैं। जैसे कि आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया, वो भी एक फॉर्मेलिटी थी, एक औपचारिकता थी जो पूरी की गई। और अब यहां पर दूसरी औपचारिकता पूरी की जा रही है, समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। ये प्री पोल अलायंस था, बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है। और यहां समर्थन पत्र सौंपने के लिए डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा है, जहां पर वो पूरी तस्वीर है वो साफ रखेंगे राष्ट्रपति के सामने। और अब 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं और अब यहां पर राष्ट्रपति भवन पहुंचा है ये एनडीए का डेलीगेशन। बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज 18 नेटवर्क आपको दे रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन यहां पर सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने संबोधन सुना नरेंद्र मोदी का और कहा कि ये सरकार जो एनडीए की मजबूत सरकार रहेगी, मजबूती के साथ जनता के हित में काम करेगी। अगले 10 साल का विजन भी उन्होंने दिया है और इस बात को दोहराया कि हाँ मैं जानता हूं कि मैं 10 साल कह रहा हूं और आप देखेंगे कि हम किस तरह से काम करेंगे। और अब यहां पर राष्ट्रपति को मिलने के लिए ये डेलीगेशन पहुंचा है। इससे पहले ही तमाम सहयोगियों से समर्थन पत्र पर दस्तक करवा लिए गए थे, वो औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी और अब यहां पर ये एनडीए का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेगा और उनको वो समर्थन पत्र सौंपेगा। ये तस्वीरें जब चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया, उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। टीडीपी ने दोहराया है कि वो एनडीए के साथ है और साथ बनी रहेगी। बेहतरीन प्रदर्शन टीडीपी ने किया इन चुनावों में और ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन जरा बताएं क्या हालचाल है ये? देखिए तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं, उनके अलावा तमाम जो एनडीए सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भवन जाने की खबर आ रही है और वहां जाकर सरकार बनाने के लिए दबाव पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने देखा आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेता के रूप में चुने जाने के लिए। उसका जो अनुमोदन है, उसका समर्थन जो है वो गृहमंत्री अमित शाह ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनके अलावा चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम एनडीए दलों के सहयोगियों ने उसका समर्थन किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक और अपडेट हमें मिल रही है कि लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। जी पवन बताएं अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पवन पर जब भी वो कोई बड़ा मौका होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचते हैं और उनसे पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं।
तो अब आज एक बहुत बड़ा मौका है, तीसरी बार वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आज बहुत जल्दी शपथ लेने वाले हैं। तो उससे पहले आज पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे और वहां पहुंचकर वो आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद यहां से मुलाकात करके ऐसी खबर भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मुरली मनोहर जोशी है पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके आवास भी जाएंगे और वहां से फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जैसे कि एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की जब बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है, उसके बाद में अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अब 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं पवन की तमाम वो जो औपचारिकता है जो नई सरकार के गठन से पहले की जाती है, उन औपचारिकताओं को उन औपचारिकताओं की हर प्रक्रिया का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले नेता चुना गया उन्हें और अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एनडीए का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा है, समर्थन पत्र सौंपे जा रहे हैं और लगातार पवन ये साफ भी किया जा रहा है एनडीए के तमाम पार्टीज की ओर से कि ये प्री पोल अलायंस है। तो ऐसे में जो भी विपक्ष बातें कह रहा है वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कह रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देखें कि जैसे ही जिन परिणाम आया उसी दिन से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, तमाम एनडीए के सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उसके बाद में 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दलों की एक बैठक बुलाई, उसमें सभी नेता शामिल हुए, सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेता के रूप में चुना। उसके बाद में फिर आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री को अपने नेता के रूप में चुना और आपने सबको सुना होगा आज चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आए। उसके बाद में उन्होंने लगातार कहा कि हम तो नीतीश कुमार ने तो यहां तक कहा हम तो क्या चाह रहे थे करीब प्रधानमंत्री शपथ ले लें, लेकिन अब परसों यानी 9 तारीख को अब शपथ लेने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बड़े और कड़े फैसले लेने जाने जाते हैं, आर्थिक विकास के लिए जाने जाते हैं, देश के विकास के लिए जाने जाते हैं। तो लगातार सभी जो एनडीए के नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन पत्र दिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए। तो तमाम तरह की जो औपचारिकताएं हैं अब वो पूरी कर ली गई हैं। एक और ये पूरा एक संदेश है कि एनडीए जो है वो एकजुट है, एक साथ है, मजबूत है, एक साथ खड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नेगोशिएशंस है मिनिस्ट्रीज को लेके वो लगातार बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें। तो ये तमाम जो नेता है नेगोशिएशंस पे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एनडीए एकजुट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही कारण है कि आपने देखा कि 5 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, उसके बाद में इंडिया गठबंधन ने तय किया कि वो मजबूत विपक्ष के रूप में विपक्ष में बैठेंगे, सरकार बनाने के कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास नंबर थी नहीं थे। और दूसरी तरफ एनडीए जो है वो एक मुश्त एक साथ खड़ा हुआ है, तो ये साफ संकेत है। और आज यही वजह है पवन की जो अफर्मेशन मिला है अपने सहयोगियों की ओर से तो बीजेपी को, और आज नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी ये कहा कि अगले 10 साल हम प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। इस बात को दोहराया कि मैं अगले 10 साल जानबूझकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं तो वो सिर्फ ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, उनकी बातों का एक गहरा मतलब होता है। और जैसे कि आपने नीतीश कुमार को भी सुना होगा कि उन्होंने यहां तक कहा था कि जब आप फिर से अगली बार आएंगे तो जो कुछ लोग हमारे हार गए हैं, कुछ जो भ्रम जो विपक्ष के द्वारा फैलाया गया उसके चलते विपक्ष के कुछ नेता जीत गए हैं, तो अगली बार वो नहीं जीत पाएंगे, हम फिर से बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत के आएंगे। नीतीश कुमार का भी यही कहना था, यानी कि एनडीए बिल्कुल विश्वास में है, एनडीए मजबूत है, एनडीए एक साथ है। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने से थोड़े से जो संख्या है वो कम रह गई, लेकिन बीजेपी भी लगातार उत्साहित है। और बीजेपी जिस तरह से 32 साल से ज्यादा समय हो गया जब किसी भी पार्टी को 230 से ज्यादा सीटें मिली हो बीजेपी को छोड़कर, और फिर तीसरी बार बीजेपी को 240 सीटें मिली, इससे पहले दो बार जब सरकार बनाई तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हालांकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कुछ संख्या ही शॉर्ट रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी उत्साहित है, उसके साथ साथ एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं, मजबूत स्थिति में एनडीए है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और यही कारण है कि लगातार जब आज प्रधानमंत्री को आपने सुना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है मजबूत थी, उन्होंने तमाम तरह के प्रहार जो है विपक्ष पर किए, उन्होंने तमाम तरह के प्रहार जिस तरह से चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है उसको लेकर किए, तो प्रधानमंत्री आज फिर से अपने पुराने रंग में दिखे। हालांकि बीजेपी को जो कुछ संख्या शॉर्ट रह गई थी, कहीं ना कहीं उनके 2-3 दिन के नेता और कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी जरूर थी, लेकिन आज फिर से प्रधानमंत्री अपने पुराने रंग में दिखाई दिए।
आशीर्वाद लेना जरूरी था और वो मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं कि अपने बुजुर्ग और बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर के अंदर। जी बिल्कुल, तो लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए। इससे पहले भी जब भी कोई बड़ा मौका होता है तो बड़े मौकों पर वो अक्सर ही जाया करते हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, और वो ये जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़े या शुभ कार्य से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, उनका मार्गदर्शन कर लेना जरूरी होता है। और ऐसे में जब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है एनडीए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में वो लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दे रहे हैं, हलचल हम आपको हर हलचल की जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो एनडीए का डेलीगेशन है राष्ट्रपति भवन पहुंचा है और नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सीधे संसद से निकलकर लालकृष्ण आडवाणी के घर उनसे मुलाकात करने। ये बड़ी हलचल, बड़ी तस्वीर नई सरकार के गठन से पहले, जहां एक तरफ तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी से मिलने, उनका मार्गदर्शन हासिल करने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि पूरी संभावना है कि वो मुरली मनोहर जोशी के घर भी जाएं, उनसे भी मुलाकात करें। और इसी बीच एक डेलीगेशन एनडीए का पहुंचा हुआ है राष्ट्रपति भवन, 9 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले हमने देखा जब संसदीय दल की बैठक हुई तो उसके संबोधन में हर सहयोगी ने यह दोहराया कि शिवराज सिंह चौहान कुछ कहना चाहते हैं। समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ जाओ। तो ये भी एक अलग तरह का संघर्ष होता है जब इतने सारे पत्रकार घेर लेते हैं किसी बड़े नेता को, तो उनकी बाइट लेना, साउंड अच्छे से आ जाए, वो भी संघर्ष होता है। फील्ड का ये अपना अलग चैलेंज है क्योंकि सभी की कोशिश होती है कि वो भी इस मौके पर बाइट लें, और ऐसे में उस भीड़ को नियंत्रित करना, नेता का बाइट देना, वो भी एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। लेकिन साथ ही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर हलचल जो पार्लियामेंट के बाहर है वो भी बता रहे हैं, किस तरह से एनडीए का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है राष्ट्रपति भवन उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी, और हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों से जो पूरी हैपनिंग्स हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए, वो हमने आपको बताया। नजर लगातार हमारी बनी हुई है, लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद।